हेलो बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग प्रिज्म फार्मूले के डेरिवेशन को देखेंगे कि प्रिज्म फार्मूला क्या होता है और इसको हम लोग कैसे डिराइव करते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मेरी एक बात आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी और माननी पड़ेगी अगर ये टॉपिक आपको समझना है। तो इसके पहले का जो मैं टॉपिक पढ़ाया हूँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक से ये टॉपिक पूरा रिलेटेड है, क्योंकि आधा प्रोसेस डेरिवेशन का हम लोग उसी में कर चुके हैं, तो उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वीडियो आप एक बार ज़रूर देखें, और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिज्म फार्मूले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उस टॉपिक में हम लोग एंगल ऑफ डेरिवेशन को डिराइव किए हैं। तो प्लेलिस्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वीडियो ज़रूर देखें, और इसके बाद अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो ये दोनों टॉपिक आपका 100% क्लियर हो जाएगा। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये दोनों टॉपिक आपको कैसा लगा और आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो देखिए, प्रिज्म फार्मूला को हम लोग डिराइव करने वाले हैं, तो उसके पहले हम लोग को एक ग्राफ है, वो ग्राफ को समझना जरूरी है, क्योंकि इसी ग्राफ के हेल्प से इस फार्मूले को हम लोग डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं कुछ लिखा हूँ, सेंटेंस समझिए पहले। इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, देन द एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट डिक्रीजेस अटेन अ मिनिमम वैल्यू, जिसको हम लोग डेल मिनिमम बोलते हैं, एंड देन अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग। अब देखिए ग्राफ का मतलब क्या है। जैसे ये आपके पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म को मैं प्रैक्टिकली लास्ट वीडियो में भी करके दिखाया था, फिर से आपको बता रहा हूँ कि देखिए, अगर इस तरीके से प्रिज्म अगर हम लोग रखें तो इसको हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। और जैसे अगर कोई बीम ऑफ लाइट को अगर हम लोग यहाँ से इंसिडेंट करते हैं इस साइड से, ठीक है, तो इस साइड से क्या होता है, इमरजेंस होता है। अगर इस साइड से हम लोग इंसिडेंट करेंगे तो इधर से इमरजेंस होगा। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है भाई, जैसे आप यहाँ पर इंसिडेंट करोगे, यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, और जैसे इंसिडेंट करोगे, अगर इस एंगल को हम लोग धीरे धीरे करके अगर बढ़ाते जाए, बढ़ाने का मतलब ये कि अगर इधर ऐसे जाएंगे तो ये एंगल आप कम करें, और जैसे जैसे इधर जाएंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे अगर एंगल को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इंक्रीज करते हैं, तो देखिए होता क्या है, तो एंगल ऑफ डेविएशन धीरे धीरे डिक्रीज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ये एंगल हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके देखो इंक्रीज कर रहे हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट मैं दिखा रहा हूँ और ये एंगल ऑफ डेविएशन दिखा रहा हूँ, इन दोनों के बीच एक ग्राफ है, ठीक है। तो जैसे देखिए, आई का वैल्यू बढ़ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है आई का वैल्यू, जैसे भाई जीरो तो नहीं होगा, आई का वैल्यू कुछ ना कुछ इनिशियल लेवल पर होगा, तो मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जैसे जैसे देखिए आप आगे बढ़ रहे हो, देखो ये वाला ग्राफ धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो फिर नीचे आ रहा है, फिर करते 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 एक पॉइंट यहाँ पर आया, यानी जब एंगल ऑफ इंसिडेंट आप यहाँ पर पहुँचा दिए, तो एंगल ऑफ डेविएशन देखिए यहाँ से घटते घटते कहाँ पर आ गया आपका, यहाँ पर आ गया। तो इस केस में देखो, ये सबसे नीचे का पॉइंट है इस ग्राफ का, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है इसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, और ये लोवेस्ट पॉइंट कब मिलता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल हो जाता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे, जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट को और बढ़ाते जाएंगे, तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके ग्राफ फिर ऊपर जा रहा है, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ, अटेन मिनिमम वैल्यू करता है कब, जब आई इक्वल टू बराबर होता है, एंड देन अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग, और धीरे धीरे करके क्या होता है, ये इंक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। तो आई होप इस ग्राफ का मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब देखिए, इस ग्राफ से कुछ बातें समझ में आ रही हैं, उस बातों को हमको लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको डेरिवेशन समझना है तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इन पॉइंट का मतलब आप समझिए, फ्रॉम ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट एक्सपेरिमेंटली, यानी ये जो ग्राफ हमने आपको दिखाया इससे ये क्लियर हो गया, लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया भाई, एक्सपेरिमेंट करते गए हम लोग, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाते गए घटाते गए, और उसके हिसाब से जो हमको पॉइंट मिला वो हमने यहाँ पर बनाया, और सारे पॉइंट्स को हमने मिलाया, तो इस तरीके से कुछ ग्राफ यहाँ पर बना। तो इस ग्राफ से हमको क्या क्या पता चलता है, देखिए पॉइंट नंबर वन, द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये देखो पॉइंट जो बेटा मिल रहा है, मिनिमम पॉइंट मिल रहा है, ये सिर्फ एक वैल्यू के लिए मिल रहा है, यानी आई का वैल्यू जब ई के इक्वल होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इमरजेंस के जब इक्वल होता है, सिर्फ उसी केस में हमको एक मिनिमम पॉइंट यहाँ पर मिलता है, ठीक है। इस केस में हमने इसी बात को इस तरीके से लिख दिया कि डेल मिनिमम कब हो जाएगा, यानी एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू सबसे कम कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होगा, और इस केस में R1 R2 के इक्वल होगा। ये R1 R2 क्या है, ये प्रीवियस वाले टॉपिक से रिलेटेड, अभी मैं डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा कि R1 R2 वहाँ पर हम लोग किसको माने थे, पहले इस पॉइंट को आप समझ लीजिए। सेकेंड पॉइंट, दिस इज नॉट अ पैराबोला, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है पैराबोला नहीं है, क्योंकि अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो पैराबोला का ग्राफ आई होप आपको अच्छे से याद होगा, पैराबोला हमेशा यू की तरह ऐसे बनता है,
जब ही बनेगा यू की तरह बनेगा। तो देखिए ये जो है आपका यू की तरह नहीं बना हुआ है, तो ये पैराबोला नहीं है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, फॉर ईच डेल एक्सेप्ट मिनिमम देयर आर टू वैल्यू ऑफ आई। यहाँ पर क्या बोल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ ये मिनिमम पॉइंट को अगर छोड़ दिया जाए तो आई के दो वैल्यू के लिए डेल सेम मिल रहा है, यानी एंगल ऑफ डेविएशन सेम मिलेगा आई के दो वैल्यू के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक पॉइंट अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, एक पॉइंट ये मिल रहा है, तो डेल का वैल्यू यही है, और देखो इस पॉइंट पर भी डेल का वैल्यू यही है। क्या आई का वैल्यू दोनों सेम है? नहीं, आई का वैल्यू देखो यहाँ पर कम है, और धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आई का वैल्यू यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। तो देखो आई के दो वैल्यू के लिए डेल का देखो सेम वैल्यू मिला, क्योंकि डेल के सीध में अगर आप देखोगे तो सेम वैल्यू मिल रहा है, यानी डेल के लिए ये पॉइंट यहाँ के लिए भी है और यहाँ के लिए भी है। वैसे और आप देख सकते हो, ये वाला पॉइंट ले लो तो ये वाला पॉइंट ले लो आप, अगर आप ये वाला पॉइंट ले रहे हो तो ये वाला पॉइंट ले लो, यानी हर जगह आई का दो वैल्यू है, लेकिन उस केस में डेल का वैल्यू क्या है, सेम है। तो इसी बात को मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, ठीक है। अब देखिए आर वन आर टू को थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस वाले टॉपिक से समझ लेते हैं। देखिए प्रीवियस वाला टॉपिक अगर आप वीडियो देख करके देख रहे हो तब आपको समझ में आ गया होगा, बाई चांस अगर आप नहीं देखे हो तो मैं आपको समझा दूँ। तो देखिए यहाँ पर आर वन आर टू हमने किसको लिया था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट था, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हमने आर वन लिया था और इसको हमने आर टू लिया था। तो ये पूरा टॉपिक पे फिर से नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, प्रीवियस वाले वीडियो में इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, इस पूरे डायग्राम को और पूरे डेरिवेशन को, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन का ये पूरा डेरिवेशन आपको जरूर देखना है अगर आप सच में इस दोनों टॉपिक को क्लियर करना चाहते हो। तो इस केस में देखिए कुछ हमारे रिजल्ट थे, उस रिजल्ट को अब हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि रिजल्ट एक बार मैं निकाल चुका हूँ, दोबारा नहीं निकालूंगा। जो एंगल ए होता है वो आर वन प्लस आर टू के इक्वल होता है, और ये जो डेल होता है वो आई प्लस ई माइनस ए के इक्वल होता है। ये कैसे इक्वल होता है, ये डेरिवेशन आप देख लीजिएगा पिछले वाले वीडियो में जा करके। तो ये दो रिजल्ट्स को हम लोग यूज़ करने वाले अभी वाले टॉपिक में। तो ए का वैल्यू क्या होता है, आर वन प्लस आर टू के इक्वल होता है, और डेल का वैल्यू क्या होता है, आई प्लस ई माइनस ए के इक्वल होता है। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। अब यहाँ पर देखिए डेरिवेशन अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं क्या क्या लिखा हूँ, इफ़ डेल मिनिमम, और डेल मिनिमम के केस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल हो जाता है और आर वन आर टू के इक्वल हो जाता है। ऑलरेडी मैं तीनों पॉइंट में आपको देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्या एक्सप्लेन किया हूँ कि जब डेल मिनिमम होगा तो उस केस में आई ई के इक्वल होगा और आर वन आर टू के इक्वल होगा, और इसको हमने क्या मान लिया है, आर मान लिया है, क्योंकि आर वन आर टू न लिख करके उसको आर लिख सकते हैं। तो ये चीज़ है कि अगर डेल मिनिमम होगा तो आई ई के इक्वल होगा और आर वन आर टू आर के इक्वल होगा। अभी प्रीवियस वाले रिजल्ट में हमने क्या देखा कि ये एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है वो आर वन प्लस आर टू के इक्वल होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि आर वन आर टू इक्वल है, दैट मीन्स आर वन आर टू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर आर लिख सकते हैं। तो आर आर दो बार ऐड करोगे तो टू आर हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू ए अपॉन टू हो जाएगा। तो यहाँ से हमको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू पता चल गया। और देखिए सेकेंड वाला मैं बोल रहा था रिजल्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो क्या था, डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए था, समझ में आ रहा है। ये रिजल्ट हम लोग पिछले वाले टॉपिक से ले रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग रिजल्ट निकाल चुके हैं कि ये कैसे आया हुआ है। अब देखिए आई और ई इक्वल है, हम अभी डेल मिनिमम के केस में देख रहे हैं, तो डेल मिनिमम के केस में क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इमरजेंस के क्या इक्वल है, तो वही चीज़ बोलने की, अगर डेल डेल मिनिमम हो जाए तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये देखिए माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो अगर माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा तो ए प्लस डेल मिनिमम हो गया, और आई ई के इक्वल है तो दोनों को हम लोग आई लिख सकते हैं, इसको भी आई लिख सकते हैं, तो आई आई, और आई आई ऐड करोगे तो टू आई हो जाएगा, तो टू आई किसके इक्वल, ए प्लस डेल मिनिमम के, तो आई किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस डेल मिनिमम अपॉन टू हो गया, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमको दोनों पता चल गया। तो अब हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म म्यू इज इक्वल टू साइन बाई साइन आर होता है। आई होप आपको स्नेल्स लॉ पता है, अगर नहीं पता है तो वीडियो आप जरूर देखिए, मतलब आपका बेसिक बहुत ही कमजोर है, क्योंकि अगर आपको स्नेल्स लॉ ही नहीं पता है तो ये सारे टॉपिक तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाले हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको स्नेल्स लॉ नहीं पता है तो एक तरफ से सारे वीडियोज को देखिए ताकि आपका डाउट भी क्लियर हो सके। तो म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, साइन आई बाई साइन आर। अब देखिए आई का वैल्यू हमारे पास ये है और R का वैल्यू ये है, तो आपको कुछ नहीं करना है, I की जगह ये वाला वैल्यू पुट करना है और R की जगह ये वाला वैल्यू पुट करना है। तो चलिए मैं पेज को टर्न करके आपको समझा देता हूँ। तो देखिए बच्चों, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई, तो साइन आई का वैल्यू ए प्लस डेल मिनिमम अपॉन टू था, और साइन आर का वैल्यू ए बाई टू था, ऑलरेडी आपको मैं दिखा चुका हूँ। तो इस तरीके से हमारा ये जो रिलेशन आया, इसी रिलेशन को क्या बोलते हैं, प्रिज्म फार्मूला बोलते हैं। तो मैं लिख दिया हूँ, दिस रिलेशन इज कॉल्ड प्रिज्म फार्मूला। तो देखिए डेरिवेशन बहुत ही ईजी है, अगर आप एंगल ऑफ डेविएशन वाला पूरा डेरिवेशन देख लीजिए और एंगल ऑफ प्रिज्म वाला देख लीजिए, तो ये दोनों टॉपिक आपको 100% क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार दोनों वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
एक बात और आपको मैं फिर से याद दिला दूं बच्चों कि ये सारे नोट्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं हमारी वेबसाइट पर फ्री में अवेलेबल हैं। वहाँ पर जा करके ये सारे नोट्स आप डाउनलोड भी कर सकते हो और नोट भी कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।